हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में योगा विद तेजस्विनी। आज हम करेंगे ऐसे आसनों का अभ्यास जो हाइट को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम आसन माने गए हैं। हाइट न बढ़ना आजकल एक प्रॉब्लम होती जा रही है, जिसकी वजह है वातावरण का प्रभाव, खान पान में पोषक तत्व की कमी, हार्मोन्स की कमी, नियमित व्यायाम न करना, हमारे रूटीन में खेलकूद की कमी, पुअर पोस्चर का होना। पुअर पोस्चर मतलब हमारा उठना बैठना, खड़े होने का तरीका गलत होना, एक ही जगह पर लंबे टाइम तक बैठे रहना, जिससे मसल सिकुड़ जाती है। आजकल बच्चों में ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है कि बच्चे पढ़ते टाइम, टीवी टाइम, मोबाइल टाइम लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से मसल सिकुड़ने लगती है और हाइट बढ़ने में दिक्कत होती है। इन आसनों के अभ्यास से स्पाइन होगी लचीली, जिससे स्ट्रेचिंग में हेल्प मिलेगी, नए सेल्स बनेंगे, हार्मोन्स एक्टिव होंगे, जिससे बॉडी ग्रोथ करेगी। बॉडी ग्रोथ करेगी तो हमारी हाइट भी ग्रोथ करेगी। इन आसनों के अभ्यास के साथ साथ अपने खान पान में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूध, दही, पनीर का ज़्यादा सेवन करना है और अपने भोजन में अंकुरित दालों को शामिल करना है। तो शुरू करते हैं हम आज का अभ्यास। सबसे पहले हम अपने डेली रूटीन में जॉगिंग शुरू करेंगे। जॉगिंग करने से हमें भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी, हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा और हमारे पैरों में मजबूती आएगी। जॉगिंग के बाद हम करेंगे 5 से 10 मिनट रस्सी। इस तरह से 5 से 10 मिनट रस्सी कूदने के बाद हम आसनों का अभ्यास शुरू करेंगे। उठने से हमारी हाइट ग्रोथ करती है। रस्सी कूदने के बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार का के 4 से 5 राउंड, बाकी अपनी क्षमता के अनुसार। सूर्य नमस्कार की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, उस वीडियो के माध्यम से आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू करें। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद जिन आसनों को हम करेंगे अब उनको शुरू करते हैं। सबसे पहले आसन होगा हमारा ताड़ासन। दोनों पैर में थोड़ी सी दूरी रखेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में सटाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर सांस को भरते हुए पंजों के बल पूरी बॉडी को ऊपर की ओर तानते हुए अपने उष्णता के अनुसार गोल। इस आसन का अभ्यास 5 से 6 बार करेंगे, सांस को छोड़ते हुए वापस। यहीं से अगला आसन होगा अर्धचंद्रासन। दोनों पैरों की थोड़ी सी दूरी रखते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में सटाएंगे, सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए बैंड राइट साइड। इससे हमारी साइड की स्ट्रेचिंग होगी। सांस को भरते हुए वापस, सांस को छोड़ते हुए बैंड लेफ्ट साइड, सांस को भरते हुए वापस, सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। इसका अभ्यास 3 से 4 बार करेंगे। अगला आसन पाद हस्तासन। दोनों हाथों को ऊपर ले जब लेकर जाते हुए सांस भरते हुए बैंड बैकवर्ड, सांस को छोड़ते हुए बैंड फॉरवर्ड, कमर सीधी, स्पाइन लंबी करते हुए घुटनों को टच करने की कोशिश। बैक में प्रेशर है तो घुटने मोड़ लेंगे। सांस को भरते हुए वापस बैंड बैकवर्ड, सांस को छोड़ते हुए बैंड फॉरवर्ड, अपनी अक्षमता के अनुसार होल्ड। इस आसन का अभ्यास 3 से 4 बार करेंगे। यहीं से अगला आसन होगा हमारा अधोमुख स्वानासन। एड़ियों से मैट को टच करने की कोशिश, कंधों को प्रेस करने की कोशिश, नाभि को देखने का प्रयास। अगला आसन
दोनों घुटनों को जमीन पर रखते हुए सांस को भरते हुए भुजंगासन। इनहेल रेज योर चेस्ट, ओपन योर शोल्डर्स। यहीं से दोबारा से हम अधोमुख स्वानासन में जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए। इस नींद से हमारी पूरी बॉडी में स्ट्रेच होगी, जिससे हमारी मसल्स पूरी तरह से एक्टिव होगी। दोबारा से सांस को भरते हुए भुजंगासन। कोहनी मुड़ी हुई, हाथ साइड में लगे हुए, एंड रिलैक्स। इन दोनों का अभ्यास हम 5 से 6 बार करेंगे। उसके बाद मकरासन में थोड़ा विश्राम करेंगे। दोनों हथेली एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, थोड़ी को रखते हुए रिलैक्स। इसे लेफ्ट साइड से होते हुए कमर के बल दोनों पैरों को हिप्स के पास से लेकर आएंगे। दोनों हाथ साइड में, हथेली नीचे की ओर। सांस को भरते हुए कंदरासन। सांस को भरते हुए लोअर बैक उठाएंगे। यहाँ पर हम अपने हाथों से भी सपोर्ट ले सकते हैं। इस तरह से हमारे नी और एंकल लंबवत लाइन में होंगे। अगर हमारे नी आगे है तो हम पैरों को भी आगे की ओर कर लेंगे। इससे हमारे हार्ट, लंग्स, थायराइड ग्रंथि एक्टिव होगी। थायराइड ग्रंथि एक्टिव होगी तो हार्मोन्स एक्टिव होंगे, जो हमारी हाइट को बढ़ाने में फायदेमंद होंगे। अपनी अक्षमता के अनुसार होल्ड करेंगे। सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। काउंटर पोज, नी को, दोनों नी को चेस्ट की तरफ प्रेस करते हुए। एंड रिलैक्स। इस आसन का अभ्यास 3 से 4 बार करेंगे। अगला आसन चक्रासन। दोनों पैरों को हिप्स के पास लेकर आएंगे। हथेली को कंधों के पीछे रखेंगे। कोहनियों को अंदर की साइड लेंगे। फिंगर्स पॉइंट अंदर की ओर होंगे। सांस को भरते हुए पहले लोअर बैक को उठाएंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए अपर बैक को उठाएंगे। अगर बिगनर नहीं है तो हम एक साथ ही सांस भरते हुए पूरी बॉडी को उठा सकते हैं, लेकिन अगर बिगनर है तो पहले लोअर बैक को सांस भरते उठाए और फिर सांस को छोड़ते हुए अपर बैक को उठाए। इससे ऐसा करने से आसानी होगी। सांस को भरते हुए लोअर बैक को उठाते हुए, सांस को छोड़ते हुए अपर बैक। अपनी अक्षमता के अनुसार होल्ड करेंगे। इस आसन का अभ्यास 2 बार करेंगे। सांस को भरते हुए लोअर बैक को नीचे लेकर आएंगे। सूर्य अपर बैक को, सांस को छोड़ते हुए लोअर बैक को। यहाँ पर बैक को थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए नी को चेस्ट की तरफ प्रेस करेंगे। एंड रिलैक्स। अगला आसन होगा हमारा सर्वांगासन। दोनों हथेली हमारी नीचे की ओर होगी, हिप्स के पास। दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे सांस भरते हुए। सांस को छोड़ते हुए कमर को उठाएंगे दोनों हाथों से सपोर्ट करते हुए।
कोशिश करें कि हमारे कंधे, हिप्स और एडी लंबवत लाइन में हों। अपनी अक्षमता के अनुसार होल्ड करेंगे। सांस को भरते हुए कमर को वापस लेकर आएंगे। सांस को छोड़ते हुए पैरों को धीरे धीरे से नीचे लेकर आएंगे एंड रिलैक्स। काउंटर पोज, कोहनी के बल, दोनों हाथ हिप्स के नीचे। सांस को भरते हुए चेस्ट को ओपन करते हुए सांस को छोड़ते हुए सर को पीछे लेकर जाएंगे। अपनी अक्षमता के अनुसार होल्ड करेंगे। सांस को भरते हुए सर वापस लेकर आएंगे। सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। इन आसनों के अभ्यास के बाद हम शवासन की स्थिति में आएंगे। कम से कम 5 मिनट का शवासन यहाँ पर करेंगे पूरी बॉडी को रिलैक्स देने के लिए। पूरी बॉडी ढीली रखेंगे, ध्यान अपनी सांसों पर। 5 मिनट के शवासन के बाद लेफ्ट साइड से होते हुए बैठ जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे इन आसनों का अभ्यास करना है और निरंतर इन आसनों का अभ्यास करना है। ये नहीं कि एक दिन कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन कर लिया, 4 दिन छोड़ दिया। इस तरह करने से हमें कोई लाभ नहीं मिलता। शुरुआत में अपनी अक्षमता के अनुसार होल्ड करें, फिर जब लगे कि हम होल्ड करने में अच्छे से होल्ड कर सकते हैं तो कम से कम आधा मिनट, हर एक आसन में आधा मिनट होल्ड करें। तो इस तरह से हर एक आसन का अभ्यास कीजिए, एक सब्र के साथ, एक विश्वास के साथ। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।